भारतीय मजदूर संघ व हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ के सैकड़ों महिला पुरुष कर्मचारियों ने आज पांचवें दिन भी लघु सचिवालय के समक्ष धरना दिया और सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। आज पांचवें दिन धरना यमुनानगर जिले के कर्मचारियों एवं श्रमिकों ने दिया और सरकार विरोध जोरदार प्रदर्शन किया। धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश सैनी व प्रदेश संगठन मंत्री जंग बहादुर यादव ने सरकार की कर्मचारी एवं श्रमिक विरोधी नीतियों का खुलासा करते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर कर्मचारियों एवं श्रमिकों की मांगों को लागू न करके टकराव का रास्ता अपनाए हुए है, जिसके विरोध में संयुक्त अनिश्चितकालीन धरना करनाल में देने पर विवश होना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा सरकार द्वारा कुछ मांगे मान ली गई थी, परंतु अधिकारी उनको पूरी तरह से लागू नहीं कर रहे, जिससे विवश होकर मजदूर संगठनों द्वारा सीएम सिटी करनाल में धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज के धरने में यमुनानगर से बड़ी संख्या में श्रमिक मजदूर यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। मजदूर संघ हरियाणा ने 51 सूत्री मांगों का मांग पत्र मुख्यमंत्री को दिया था। उस संबंध में सबसे पहले 4 जनवरी को बातचीत हुई। 4 जनवरी को लगभग 15 मांगों पर हमारा समाधान हो गया था, लेकिन उन 15 मांगों को नोटिफिकेशन नहीं किया गया, जिसके कारण हमें फिर प्रदर्शन करना पड़ा। तो सरकार ने 20 जुलाई को हमें फिर बातचीत के लिए बुलाया और 20 जुलाई की वार्ता में ट्यूबवेल ऑपरेटरों का, शुगर मिल का, मिड डे मिल का, स्वास्थ्य कर्मचारियों का, ऐसे कई एक मांगे हमारी सरकार ने मांगा। लेकिन दुख की बात यह है कि मांग मानने के बाद अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को गुमराह कर दिया और उसका पूरी तरीके से नोटिफिकेशन नहीं हुआ। मांग है कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, सभी विभागों में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, अनुबंधित जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनको समान काम समान वेतन दिया जाए, रोजगार उनका सुरक्षित किया जाए 58 साल तक, और जो हमारे जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं उनको भी समान काम समान वेतन दिया जाए, और इनको भी 10 लाख रुपये जो हरियाणा सरकार ने 10 लाख कैशलेस मेडिकल सुविधा जो दी है, ये इन कर्मचारियों कब से बैठे हैं, कब से बैठे हैं यहाँ? हम एक अगस्त से यहाँ धरने पे बैठे हैं और ये धरना हमारा जब तक जारी रहेगा, एक एक कर्मचारी की हमारी मांग सभी विभागों की, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक हमारा धरना यहाँ जारी रहेगा। तो कोई आया अधिकारी मिलने? अभी तक हमारे पास कोई अधिकारी नहीं आया, और आने वाली 15 अगस्त को हमारे जो भारतीय मजदूर संघ और हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ की तरफ से जो प्रदेश के स्टेट कमेटी के जो पदाधिकारी व विभिन्न विभागों के संगठन को बुला के कोई कठोर कदम उठाने के लिए हम अगला कदम 15 अगस्त को ही निर्णय लेंगे। आज कौन सा दिन है? आज हमारा 5वां दिन है धरने स्थान का, जो यमुनानगर जिला का आज नंबर है। तो इसी तरह हर रोज एक जिला हमारा जो यहाँ हर दिन एक एक दिन का धरना काला पाला होगा। तो कब तक है ये? हाँ जी, ये धरना जब तक जारी रहेगा तब तक हमारी 51 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री महोदय को हमने जो हमारे भारतीय मजदूर संघ ने जो दे रखे हैं, तब तक वो सारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना हमारा जारी रहेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।